नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। कल कश्मीर में टारगेट किलिंग के शिकार हुए बैंक मैनेजर विजय कुमार का शव शुक्रवार सवेरे करीब 7 बजे उनके गांव लाया गया। बॉडी के साथ विजय की पत्नी मनोज कुमारी थी। पूरे रास्ते वह सब्र किए बैठी रही, लेकिन जैसे ही घर की दहलीज पर पहुंची तो सांस से लिपट कर चीख पड़ी, फिर बेसुध हो गई। यही हाल विजय कुमार की माँ और पिता का था। बेटे के शव को देखकर माँ उससे लिपट गई और बार बार यही कहती रही कि देख, मैंने तुझे कहा था नौकरी छोड़कर आ जा, अब कम कमा लेंगे, लेकिन तू नहीं माना। ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने शव के पहुंचने से पहले ही अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर रखी थी। इसके कुछ देर बाद ही अंतिम यात्रा शुरू हुई और सवेरे करीब 9 बजे विजय कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में उड़ा पूरा गांव। विजय की हत्या के बाद पूरे गांव गुस्से में है। गुरुवार को जब से ये दुखद खबर आई है, तब से ही गांव में किसी घर में चूल्हा नहीं जला। जो लोग विजय के घर आते जाते रहे, यहां तक कि रात को भी कई लोगों ने अपने अपने घर नहीं गए। सवेरे जैसे ही शव गांव में पहुंचा, पूरा गाँव अंतिम यात्रा में उमड़ गया। गौरतलब है कि बैंक मैनेजर विजय की कल आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। विजय कुमार की पत्नी ने घर वालों को बताया कि 2 दिन पहले वहाँ एक टीचर की हत्या के बाद विजय कुमार भी चिंतित थे और कह रहे थे कि ये हालात खराब होते जा रहे हैं, हमें चलना चाहिए। हम कुछ निर्णय ले पाते उससे पहले ही आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि वह रोज की तरह बैंक गए थे, कहकर गए थे कि चिंता मत करना, शाम को वक्त पर आ जाऊँगा। दिन में भी कई बार फोन करके बताते रहते थे, लेकिन इस घटना ने सब कुछ छीन लिया।